लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रेल हादसा टालने वाले ट्रैकमैन को सपरिवार फर्स्ट एसी कोच में बुलाया दिल्ली रतलाम। बजरंगगढ़ थांदला रोड सेक्शन में क्षतिग्रस्त ब्रिज से रेल दुर्घटना बचाने के लिए सतर्कता दिखाने वाले ट्रैकमैन बलवंत परमार को रेलवे बोर्ड चेयरमैन गुरुवार को दिल्ली में सम्मानित करेंगे। संभवत रेल मंत्री भी बलवंत से मुलाकात कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि ट्रैकमैन परमार को रेल प्रशासन ने दिल्ली जाने के लिए सपरिवार फर्स्ट एसी कोच में सफर की सुविधा दी है। इसके बाद वह बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मुंबई में एफओबी का पाथवे ट्रैक पर गिरने के बाद मोटरमैन को रेल मंत्री ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। संभावना जताई जा रही है कि ट्रैकमैन को इसी तरह सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि मंडल अधिकारी का कहना है कि अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, सम्मान के बाद ही इसकी जानकारी मिल सकेगी। मालूम हो कि ट्रैकमैन परमार ने रविवार शाम दिल्ली मुंबई मार्ग के ब्रिज नंबर 178 पर रिटेनिंग वॉल गिरने के बाद फौरन सूचना देकर रेल परिचालन रुकवाया था। मौके पर इंदौर पुणे को रोक दिया गया। अनदेखी होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैकमैन की सतर्कता को देखते डीआरएम आरएन सुनकर ने 5,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। फौरन किए गए पास के इंतजाम रतलाम में ट्रैकमैन को सम्मानित किए जाने के बाद डीआरएम सुनकर को रेलवे बोर्ड से चेयरमैन की ओर से मैसेज किया गया। उन्होंने ट्रैकमैन को दिल्ली भेजने के निर्देश दिए गए, साथ ही विशेष सुविधा मुहैया कराने को कहा गया। इस पर डीआरएम ने ट्रैकमैन को सपरिवार फर्स्ट एसी का पास देने के इंतजाम कराए। मामले में ट्रैकमैन परमार ने बताया कि परिवार के साथ वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। उसके साथ ही वेलफेयर इंस्पेक्टर महेंद्र राठौर को भी भेजा गया। डीआरएम सुनकर ने बताया कि ट्रैकमैन की सजगता से क्षतिग्रस्त ब्रिज से परिचालन तुरंत रोक दिया गया था। इसे मंडल स्तर पर सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन द्वारा इसे दिल्ली बुलवाया है। इसके बाद इसे फर्स्ट एसी में दिल्ली भेजने के इंतजाम किए गए।